उंगलियों को अपने सिर में रगड़ेंगे आप, लिटिल फिंगर्स आर टचिंग विथ योर हेयर लाइन एट द फ्रंट। अब जो छोटी छोटी उंगलियां हैं वो आपको ऐसा लगेगा कि आपके खोपड़ी को पहुंच रही हैं। फर्मली प्रेस डाउन ऑन टू योर स्कार्फ एंड पुल योर फिंगर्स अवे फ्रॉम द नेट लाइन कॉम्बिंग ऑनवर्ड आउटवर्ड्स विथ ईच हैंड। अब जिस तरह कंघी को हम बीच में रख के मांग पाड़ने के लिए करते हैं, उसी तरह से उसे बीचों बीच जो होता है स्कार्फ यानी होता है अपनी खोपड़ी का जो नरम हिस्सा होता है, चमड़ी होती है। जैसे हम अगर स्कार्फ को खरोच देते हैं तो डैंड्रफ की तरह निकलता है, उससे हम हल्की हल्की उसी से उंगलियों से वहाँ पे दबाते जाएंगे, मालिश करेंगे जैसे। तो मालिश का जो तरीका, लेकिन मिड लाइन आपके बीचों बीच जैसे हम मांग पाड़ते हैं उसी तरह से करेंगे। आउटवर्ड्स विथ ईच हैंड, एक एक हाथ से एक एक बार करेंगे। पहले राइट हैंड से करेंगे, फिर वो हाथ को उतार लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड से करेंगे। नाउ प्लेस योर हैंड्स इन द सेम वे हायर अप ऑन द मिडिल लाइन ऑफ द हेड एंड रिपीट द प्रोसीजर। फिर आप वही प्रोसीजर जो है वापस से उसे उंगलियां ऊपर की तरफ से लेकर अपनी खोपड़ी के नीचे तक लाएंगे, गर्दन तक, फिर वापस से ऊपर से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपको रिपीट करते रहना है। नाउ प्लेस हैंड्स इवन फॉर द बैक ऑन योर हेड टूवर्ड्स द क्राउन एंड रिपीट द प्रोसीजर। अब यही सीज है जो ऊपर की तरफ मांग से शुरू किया था, अब वो मांग पूरा बीचों बीच खोपड़ी जैसे दो हिस्सों में बटती है उसी तरह से वापस नीचे तक लाएंगे, और फिर दूसरे हाथ से शुरू करेंगे, दूसरे हाथ को ऊपर आगे की तरफ रख के उससे करेंगे, दबाएंगे और फिर पीछे तक ले आएंगे। तो ये हो जाता है क्राउन पार्ट। अब है मेंटल क्विक फिक्सेस। मेंटल क्विक फिक्सेस का मतलब क्या है, देखिए। पुट ऑन सम म्यूज़िक यू लाइक एंड डांस थ्रू द रूम। आपको जो भी म्यूज़िक पसंद हो उस म्यूज़िक को आप लगाइए और उस रूम में, एक रूम में आप डांस करिए। दिस क्रिएटिव एक्टिविटी एक्सरसाइजेस द राइट साइड ऑफ द ब्रेन एंड हेल्प्स रीबैलेंस योर ब्रेन। अब ये आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि ये जो एक्सरसाइज होती है एक तरह की, इससे आपका जो दिमाग होता है वो बैलेंस हो जाता है और आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। गेट ए फिश टैंक एंड वॉच द फिश स्विम अराउंड लैंग्वेजली, दिस अलाउज योर माइंड टू काम डाउन। अगर आपका दिमाग किसी परेशानी से जूझ रहा है तो आपके घर में फ़िश टैंक होगा, अगर मछली जिसमें हम रखते हैं फ़िश टैंक अगर होगा तो उस फिश टैंक में मछलियां किस तरह से तैर रही हैं, किस तरह से हेल रही हैं, उसको आप कुछ मिनट तक लगातार देखेंगे तो उससे आपके दिमाग की परेशानी ख़त्म हो जाती है। देन राइट डाउन ऑल योर वरीज, पुटिंग दैम ऑन द पीस ऑफ पेपर गेट्स दैम ऑन योर हेड। अब क्या करेंगे, या फिर एक और ऐसी काम कर सकते हैं, एक पेपर ले लेंगे और उस पेपर के ऊपर आप सारी आपको जो जो परेशानियां हैं, जैसे हम लिस्ट बनाते हैं उसी तरह उस कागज़ पे लिखते जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका जो सर है वो अब खाली होते जा रहा है। गेट आउट इनटू अ नेचर एंड वॉक, बाहर निकल जाएंगे थोड़ा और बाहर जो कुदरत के बनाए नज़ारे हैं उनको देखते हुए या उधर बाहर वॉक करेंगे। कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट इज़ राइट नाउ रेदर दैन वॉट माइट हैपन टुमारो। हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिए कि अभी क्या चल रहा है या अभी क्या हो रहा है, और इस बात को भूल जाइए कि कल क्या होने वाला है। सिंग इन द बाथ एंड यूज़ द शैम्पू बॉटल एज ए माइक्रोफोन। बाथरूम में जब आप नहाते हैं तो आप गाना गाने की कोशिश करिए और शैम्पू बॉटल को ये समझ लीजिए कि वो आपका माइक्रोफोन है। नोबडी इज़ परफेक्ट एंड हु वॉन्ट्स टू बी, नोबडी मिस्टेक्स और आर ओके। अब कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से परफेक्ट हो, लेकिन परफेक्ट बनने के लिए अगर हम शुरुआत करते हैं तो कोई मिस्टेक, सारी मिस्टेक जो होती हैं यानी गलतियां आती हैं, लेकिन गलतियां ठीक हैं, ओके हैं, गलतियां करेंगे तब भी आप सीखेंगे। डिलीट द फ्रेज आई कांट फ्रॉम योर वोकेबलरी, अपने इतिहास में से या अपने दिमाग में से ये बात निकाल दीजिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। आई कांट का मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ। इट इज़ इन कंस्ट्रक्टिव द ब्लॉक्स योर व्यू ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि मैं नहीं कर सकती हूँ तो मतलब आपका दिमाग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए अपने दिमाग को ब्लॉक ना होने दीजिए और हमेशा हमको पॉजिटिव सोचना है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। राइट ए फ्यू लाइन्स विथ योर अदर हैंड, आप अपने दूसरे हाथ से कुछ लाइनें लिखने की कोशिश करें। दिस रीबैलेंस इज द टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन। अगर हम हमेशा राइट हैंड से लिखते हैं लेकिन हमको कभी कभार क्या करना चाहिए, अपने उल्टे हाथ से भी लिखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग जो होता है वो वाइब्रेट होता है, दूसरी तरफ भी घूमता है। एक्सपेक्ट टू बी लक्की, हमेशा ये सोचिए, लोग क्या होता है परेशानी आती है मुश्किल आती है तो सोचते हैं मेरी किस्मत ही ख़राब है, लेकिन वो सोचना छोड़कर हमेशा ये सोचिए कि मैं लक्की हूँ, मैं लक्की हूँ, मुझे सब कुछ मिला है जो मैंने डिज़र्व किया है। तो इस तरह से आपका सारा स्ट्रेस, सारे परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी।
ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा है कि अगर आपका दिमाग परेशान रहता है या आपको गलत गलत ख्याल आते हैं, आपके दिमाग के ऊपर हमेशा वजन लगता है, तो हमको कितनी सारी एक्सरसाइजेस बताई गई हैं। इन एक्सरसाइजेस को आप फॉलो करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपका दिमाग एकदम कंट्रोल में आ गया, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं। यही हमने इस चैप्टर में देखा है। तो उसके बाद देखिए, रीड वन के बाद भी ग्लॉसरी दी हुई है, वो भी आपको लिख लेनी है। एंड रीड टू के बाद में यहाँ पर भी कुछ ग्लॉसरीज दी हैं। ग्लॉसरी आपके हेल्पिंग के लिए हैं, क्योंकि ग्लॉसरी से आपको ये रिलीफ मिलेगी कि आपको उस शब्द का मतलब पता चलेगा, क्योंकि आप लोगों को कई सारे शब्द ऐसे होते हैं चैप्टर में आए हैं, उसका मतलब आपको नहीं पता होता है। तो अगर आप रीड करते हैं और ये वर्ड्स आते हैं तो इन वर्ड्स का मीनिंग लिख लीजिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट्स। थैंक यू।